गदर होने वाला है जैसे विक्की बोलता है राइट। तो यार सबके सब कॉन्सेंट्रेट से बैठिएगा राइट, ऐसे लेट के कोई मत देखिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि आज हम कुछ टेक्निकल चीजें जानेंगे। ओके आज फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे में ऐसा है कि देखिए अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो फर्स्ट डे का एक प्रिंसिपल होता है कि आप जिस बिजनेस को कर रहे हो ना, उस बिजनेस के बारे में आपको अच्छे से जानना है। तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक है, नो अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में हम लोगों को जानना है कि क्या है एग्जैक्टली, और हम लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी सबका ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट से देखना है ठीक है। और हाँ सबके सब नोटबुक और अपना पेन लेके तैयार रहिए, क्योंकि देखिए एक्चुअली ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं तो उससे होता क्या है, याद नहीं रहता हमें राइट, लेकिन जब आप लिख रहे हो ना तो कई बार रिकॉल हो जाता है आपके माइंड में और आपको याद रहता है। और इसके बाद से याद रखिएगा सारे लोग, आप लोगों को कोई भी ऐसा पर्सनल ट्रेनिंग और नहीं मिलने वाला है। आप लोगों को देखिए जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो आप अपने स्पॉन्सर को परेशान करिए, उनसे नॉलेज लीजिए इस बिजनेस के बारे में। लेकिन आज मैं पूरा का पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, आज के बाद से आप अपने डाउन को नॉलेज दोगे ठीक है। अपने डाउन को ऐसा नहीं कि अरुण को कॉल कर लिए अरुण बता देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद से अपने डाउन में जितने भी पर्सन है उनको हैंडल करना होगा इस सिस्टम के रिगार्डिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए। ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर स्क्रीन हम बताइएगा, स्क्रीन विजिबल है सर? जी स्क्रीन विजिबल है। ओके थैंक यू। देखिए सबसे पहले बोलते हैं ना, नो अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में जानिए। तो हमारा जो बिजनेस है ना, उसका बैकबोन एक तरीके से बोल सकते हैं, बेस्ट बोल सकते हैं, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी। आज हम वो बैंक वाले एग्जाम्पल्स नहीं समझेंगे, हम कुछ अलग तरीके से चीजों को जानेंगे कि क्या है एग्जैक्टली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी और हमारा सिस्टम, इसके बारे में इसके बारे में आज हम जानेंगे। उसके बाद कुछ और चीजें दिखाता हूँ, जस्ट वेट, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। मेरा एफर्ट देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मेरा कॉलिंग हिस्ट्री दिखाता हूँ आप लोगों को ठीक है। कॉलिंग हिस्ट्री पहले चेक करिए कि एग्जैक्टली मैंने कितना मेहनत किया आप लोगों के लिए, और देख लीजिए कितने लोगों को मैंने कॉल किया है। लास्ट कॉल आप लोग देखिएगा कहाँ से है राइट। इतने सारे लोगों को मैंने आज पूरा का पूरा कॉल किया है कि भाई वेबिनार अटेंड करिएगा आप लोग राइट। क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे टीम में हो, और मैं चाहता हूँ कि मेरे टीम के लोग कभी भी नॉलेज के लिए ये मत करें कि यार मेरे पास इस चीज का नॉलेज नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा प्रॉपर नॉलेज लो इस फोरसाथ सिस्टम का, उसके बाद आप काम करो। देखिए पता है मैक्सिमम लोग काम नहीं करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनको अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज ही नहीं है राइट। जब नॉलेज नहीं है तो कॉन्फिडेंट कहाँ से आएगा, और कॉन्फिडेंट नहीं है तो बताओगे कैसे, और बताओगे नहीं तो लोग आपके साथ आएंगे क्यों राइट। तो ये कॉन्फिडेंट कहाँ से आएगा, नॉलेज से। नॉलेज के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा, अपने सिस्टम को जानना होगा। तो आज हम वही करेंगे, अपने सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, क्या है एग्जैक्टली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को संतोषी नाकामोटो एक पर्सन है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अभी तक एक गुत्थी है कि कौन था ये बंदा संतोषी नाकामोटो ठीक है, अभी भी किसी को पता नहीं है इन्होंने क्या किया था, इसको डेवलप किया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 3 जनवरी 2008 में, 3 जनवरी 2008 को इसको डेवलप किया, और उसके बाद ये कहाँ गुम हुआ, कौन था ये इंसान था, कौन था कुछ पता नहीं है। लेकिन उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लोगों को दे दिया ना कि हर एक कंट्री का फ्यूचर अभी इस पे डिपेंड है राइट। हर एक कंट्री का फ्यूचर इस पे डिपेंड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे राइट। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या, अभी हम इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में समझेंगे कि क्या है इसका स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल चीजें जो रहती है वो है क्या एग्जैक्टली। देखिए सबसे पहले मैं बताऊं, इसमें तो लार्ज कैपेसिटी है, दैट मीन्स कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें ऐसा है कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर इसमें काम करते हैं, और इसमें कंप्यूटर की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ते जाती है ना, इसकी कैपेसिटी उतनी ही इंक्रीज होते जाती है। यहाँ पे सिर्फ एक कंप्यूटर पे काम नहीं करते हैं, और वो भी ऐसे नॉर्मल सिस्टम पे वर्क नहीं कर सकते, आपको स्पेशल सुपर फास्ट कंप्यूटर की जरूरत होती है सिस्टम पे वर्क करने के लिए राइट। और एक सिस्टम, एक कंप्यूटर पे नहीं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर पे ये सिस्टम वर्क करता है। उसके बाद बेस्ट सिक्योरिटी, बेस्ट सिक्योरिटी कैसे है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये जो सिस्टम है इतनी सिक्योर है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये हैक हो जाएगा। और कैसे हैक होगा ध्यान से समझिएगा, मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं ये चीजें डायरेक्टली बना के नहीं दिखा सकता था पोस्ट में, तो मैं यहीं पे बना देता हूँ। मान के चलिए ये एक कॉलम है ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम है और मेरा नाम मान के चलिए अरुण है ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा जो सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बॉक्स बना दिया
और मेरा नाम अरुण है जो कि 4 लेटर का है, ओके अरुण है जो कि 4 लेटर का है, ओके। अब क्या करना है, ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर में जो 4 डिजिट है ना, किसी भी एक एक कंप्यूटर में एक एक डिजिट को डाल दीजिए, एक एक डिजिट को एक एक कंप्यूटर पे डाल दीजिए। अब मिलियंस ऑफ कंप्यूटर है, अगर कोई हैकर आता है ना, तो उनके पास सिर्फ 30 सेकेंड होता है इस 4 डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए, यार ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर में 4 अक्षर कौन कौन से कंप्यूटर में होगा, और हर एक कंप्यूटर का अपना सिक्योरिटी सिस्टम होता है, तो उसको हैक करना इतना इजी नहीं होता है कि 30 सेकेंड के अंदर वो 4 डिजिट को पूरा का पूरा जो 4 लेटर है उसको समझ पाए, राइट। तो वो चीज है कि उनको क्या करना होता है, ये जितने भी कंप्यूटर है सबको उनको छान मारना होता है कि यार कौन से कंप्यूटर में कौन सा लेटर है, और उसको मैच भी करना है। ऐसा नहीं कि अरुण है तो किसी भी लेटर को यार ढूंढ लिए और उसके बाद ही आपका पासवर्ड होगा, ऐसा नहीं है। अरुण है तो सीक्वेंस से आपको अरुण की तरह ही फाइंड आउट करना है, ARUN, ऐसे ही जब वो सीक्वेंस के साथ फाइंड आउट करेगा तब कहीं जाके वो हैक कर पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और ये सिस्टम ऐसा है जिसमें अगर कोई हैक करना चाहता है ना, तो उनको पूरे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को हैक करना होगा तब कहीं जाके पॉसिबल है, और 30 सेकेंड के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है या कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जो इन मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को हैक कर ले और वहां से सिक्योरिटी को चुरा करके एक सीक्वेंस में पूरी तरह आइडेंटिफाई कर ले। आप सबने फोरसाज में आईडी लगाया है, सब लोगों को आपका एक अपना प्राइवेट की मिला है, आप लोगों ने अंदाजा लगाया उस प्राइवेट की को, मतलब काउंट करने की कोशिश किया कितने कितने अंकों की है वो, कितने मतलब डिजिट का है, अप्रोक्स 30+ डिजिट का है, और वो भी अल्टरनेट क्रम पे है कि क्या है, कभी कैपिटल कभी स्मॉल कभी लेटर कभी नंबर, ऐसे आपको एक स्पेसिफिक सिक्योर पासवर्ड दिया गया है कि कोई हैक करने के चांसेस ही नहीं है। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर में 30 डिजिट कौन से कंप्यूटर में रहेगा किसी को पता नहीं है, इसीलिए ये सिस्टम इतना सिक्योर है, इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इतना सिक्योर माना जाता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है, 100% ट्रांसपेरेंसी, दैट मीन्स आपके बैंक अकाउंट है उसमें क्या होता है, कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। वहां पे होता क्या है, जो मेहुल चौकसी विजय माल्या ये जो कांड हुआ था वो क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है, सॉरी, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं ना वहां पे ट्रांसपेरेंसी होगी नहीं और करप्शन वहां पे रहेगा ही। लेकिन बात करूं ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसमें ऐसी ट्रांसपेरेंसी है कि आप एक एक डाटा चेक कर सकते हो क्लियर कर। पता है यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, जो फंडिंग होती है ना वो फंडिंग क्या होता है, अभी ऐसा है कि एक सिस्टम के थ्रू लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते चला जाता है, जैसे कि PMG फंड दे रहे हैं ना, तो क्या होगा पहले मंत्री को जाएगा फिर विधायक को फिर इसको, ऐसे ऐसे करके वो बढ़ते जाता है, तो क्या करते हैं बीच बीच में अपना अपना कमीशन निकालते जाते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसा सिस्टम है जिसमें पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होगा, ये जो मिडिल मैन रहते हैं ना वो कोई नहीं रहेंगे, अगर PM किसी को फंड दे रहे हैं तो डायरेक्ट उनके मोबाइल पे ये फंड जाएगा, ना कि इन बीच में जो रहते हैं ना जो करप्ट करप्ट लोग, इन लोगों के बीच में एक भी रुपया नहीं जाएगा, डायरेक्ट स्टार्टिंग जो जहाँ सोर्स है वहां से जिनको मिलना चाहिए उनको मिलता है। तो ये है इसका बेनिफिट, इसीलिए इंडिया इसमें इतना हार्ड वर्क कर रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है, इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि क्या है इंडियन गवर्नमेंट की हाल, कितना करप्ट है यहाँ पे लोग, राइट। इसलिए सिस्टम को लोग मतलब इंडियन गवर्नमेंट डिप्लॉय करने का सोच रहा है। इम्यूटेबिलिटी है, दैट मीन्स इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। देखिए अरुण अरुण, हाँ एक सर, सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी टू इंटरप्ट। पल्लव ने बोला है वॉइस कम आ रही है, कितने लोग को वॉइस कम आ रही है अरुण सर के? टाइप करें, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो टाइप नॉट क्लियर। अगर अरुण सर के वॉइस क्लियर नहीं है तो टाइप नॉट क्लियर। क्लियर है या अभी क्लियर है ना? कंटिन्यू? पल्लव, या पल्लव थोड़ा ओके सा अपना सर, नेटवर्क देख लीजिए, राइट, या पल्लव अब कंटिन्यू करिए। ओके सर, थैंक यू। देखिए इम्यूटेबिलिटी दैट मीन्स कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कुछ भी चीजें चेंज नहीं किया जा सकता। जब कोई सिस्टम बनाया जाता है ना तो उस पर तो पूरा कंट्रोल आपका है, लेकिन जब आपने उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया ना तो उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, ये है सिस्टम की खासियत। इसी के कारण गवर्नमेंट इतना इस पे काम कर रहा है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन दैट मीन्स इसका कोई ऑनर नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, इसको बनाते तक ही रहेगा लोग, लेकिन जैसे सिस्टम पे डिप्लॉय हो गया ना, कोई ऑनर नहीं, कोई एडमिन नहीं, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इसको, कोई बंद नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, ना कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, ना कोई एक ऑनर, ना सीईओ, कोई नहीं कर सकता, अपने आप रन करते रहेगा सिस्टम जब तक इंटरनेट है तब तक, राइट। फास्टर सेटलमेंट दैट मीन्स कि यहाँ पे जो चीजें होती है ना बहुत फास्ट होता है, विद इन अ सेकेंड होता है, जैसे कि आप लोगों को भी पता है जो आपको कमीशन मिलता है ना विद इन अ सेकेंड आपको अपना कमीशन मिल जाता है। ये होता क्यों ऐसा, क्योंकि फास्ट है यहाँ पे जो सेटलमेंट है वो बहुत फास्ट होता है, यहाँ पे प्रोसेस के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, है ना। उसके बाद क्या है, अनहैकेबल, जैसे कि मैंने बता दिया फर्स्ट में आप लोगों को कि अनहैकेबल सिस्टम है ये, और किस तरीके से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा,
राइट, आप थोड़ा सा ध्यान से समझेगा, ये तो हुआ सिंपल सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फंडा, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसा मैंने बताया ना, ऑटोमेशन के प्रिंसिपल पे रन करता है ये सिस्टम, ठीक है, ऑटोमेशन के प्रिंसिपल पे रन करता है और अपने आप चलने वाला सिस्टम है। अब इसमें क्रिप्टो करेंसी का क्या रोल है, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बिना। क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो करेंसी को संतोषी नाकामोतो ने बनाया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये एक करेंसी है जिसका हम यूज करेंगे एज अ पैसे के रूप में। उन्होंने सिर्फ एक सिस्टम के रूप में बनाया था लोगों को ये शो करने के लिए कि भाई ये सिस्टम जो मैंने बनाया ना वो पूरी तरह से सिक्योर है और ट्रांजेक्शन सिक्योरली हो सकता है, लेकिन इसका यूज लोगों ने एज अ मनी के रूप में किया और धीरे धीरे इसका डिमांड बढ़ने लगा। और आज देख लीजिए आप एक बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, राइट। अब इसका एग्जैक्टली बेनिफिट समझिएगा क्रिप्टो करेंसी पे। अब मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं INR के ही एग्जाम्पल लूंगा। आप लोगों को पता है INR क्या है, एक फिजिकल करेंसी है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जो INR है उसको आप पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश या किसी अदर कंट्री में आप ट्रांसफर करो, तो क्या आप ऐसे ही कर पाओगे? पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना होता है, पेपल, आपका स्क्रील, जो भी आपका एक पेमेंट गेटवे है ना उसका यूज करना है आपको, ठीक है। अब वहां पे यूज करोगे तो वहां पे होता क्या है, एक तो बैंक वाले यहाँ से चार्ज काटेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल पेमेंट है, क्योंकि यहाँ से INR से वो पाकिस्तान के रुपीस में जाएगा। दूसरा, वहां पे जो पाकिस्तान में बैंक है वो अपना चार्ज काटेंगे। थर्ड, आपका ये जो पेपल है ना या फिर स्क्रीन, जो भी आप थर्ड पेमेंट गेटवे का यूज कर रहे हो वो अपना चार्ज काटते हैं। तो इतने चार्जेस लग जाते हैं कि आपका पैसा इतना कम हो जाता है कि कोई उसका वैल्यू नहीं रह जाता। 5% से 30% तक आपको चार्जेस लग जाते हैं, और वहां पर भी पेमेंट के लिए तुरंत पेमेंट नहीं होता है, तुरंत ट्रांजेक्शन नहीं होता है, 2 से 3 दिन का वर्किंग डेज लगता है, राइट। आप सबको पता है मैंने प्रोसेस किया था ऑनलाइन जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का, 2 से 3 दिन का टाइम लगता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में। उसके बाद क्या हुआ, आपने इस मान के चलिए स्क्रील है या फिर पेपाल है, वहां से आपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ किया ना, तो वहां तो कमीशन तो लेगा पेपाल, साथ में वो तुरंत ट्रांजेक्शन नहीं करता, उसमें भी टाइम लगता है 24 आवर्स का। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा वर्चुअल करेंसी जिसके लिए किसी भी तरह की कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, कोई बैंक वगैरह, कोई बैंकर की जरूरत ही नहीं होती, और ना ही आपको ज्यादा ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ता है। एक मिनिमम ट्रांजेक्शन चार्ज के साथ इजली आप इस क्रिप्टो करेंसी को किसी अदर कंट्री में मतलब ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया था, जब बांग्लादेश के मैंने कुछ लोगों के आईडीज लगाया था ना, सिंपल था, विद इन अ सेकेंड उनको यहाँ से मैंने ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दिया, विद इन अ सेकेंड। ये होती है इसकी मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें यहाँ पे किसी भी तरह के जो टाइम वगैरह लगता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, विद इन अ सेकेंड और सिक्योरली, और साथ में 1% भी त्रुटि नहीं होगा यहाँ पे, 1% भी इस मतलब ट्रांजेक्शन फेल होने के चांसेस नहीं है। आपके अकाउंट से बैलेंस कट गए हैं, देन डेफिनेटली उस सिस्टम पे जाएगा, उस एड्रेस पे जाएगा जिस एड्रेस पे आपने उनको दिया है। यहाँ पे पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है, जैसा कि मैंने क्लियर किया, राइट। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने ये चीज अभी क्लियर किया ना, बैंक अकाउंट में होता क्या है, अब थोड़ा सा एक और चीज समझना इसी बैंक अकाउंट में। आप सबके बैंक अकाउंट में अभी पैसे होंगे, राइट, आप सबके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे। आप जाके सारे के सारे लोग 3% पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे इंडिया की बात करो तो सिर्फ 3% लोग एक ही दिन जाके अपने पैसे मांगेगा, बैंक कंगाल हो जाएगा, आपका पैसा दे नहीं पाएगा। बैंक के पास कुछ नहीं है, अथॉरिटी के लिए कुछ नहीं है, वो क्या करते हैं आपका पैसा लेते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं किसी अदर पर्सन को लोन दे देते हैं और वहां से इंटरेस्ट लेते हैं। आपके पैसे से बैंक और पैसा कमाता है और आपको उल्लू बनाता है, राइट, ये है फैक्ट, आप लोग इस चीज को समझ सकते हो। वहां पे होता क्या है, जो मेहुल चौकसी विजय माल्या वाले जो हुआ था वो क्यों हुआ था, इन लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े बिजनेस ओनर है तो उनको क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोन भी दे देते हैं। आपका अपना पैसा है, गरीब का पैसा है जिसको ये लोग लोन में देते हैं, और ये लोग कहीं और इन्वेस्ट करते हैं और डूब जाते हैं ना, तो या तो ये जो जो अपना ये होते हैं ना बिजनेसमैन, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं, या फिर देश छोड़ के भाग जाते हैं और बैंक दिवालिया हो जाता है और बीच में फिस जाते हैं बेचारे गरीब लोग। ये होता है एग्जैक्टली बैंक में, क्यों, क्योंकि एक सिस्टम है, सिंपल सा फिजिकल सिस्टम है जहाँ पे ये चीजें होती है। लेकिन मैं बात करूँ क्रिप्टो करेंसी की ना, तो क्रिप्टो करेंसी में ऐसे कोई सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, ना बैंकर की, ना ही किसी एक चीज की, और ना ही अथॉरिटी की। आप नोट यूज करते हो तो क्यों करते हो उस नोट को यूज, क्या अथॉरिटी है, 10 रुपए का नोट है आपके पास, 100 रुपए का नोट है, उसकी क्या वैल्यू है, कौन डिसाइड करता है,
कोई डिसाइड नहीं करता, वो भी एक सिंपल सा नोट ही है यार, कोई डिसाइड नहीं करता उसमें, सिर्फ आरबीआई का गवर्नर अपना साइन कर देता है कि हाँ भाई ये नोट है जिसकी वैल्यू 100 रुपए है, इस 100 रुपए से आप ये सामान खरीद सकते हो। अब उसको हर कोई मानने लग गया। सेम यही फंडा क्रिप्टो करेंसी पे भी लागू होता है। जब क्रिप्टो करेंसी को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था ना, कुछ भी वैल्यू नहीं था इसका, 0 रुपए वैल्यू था, लोगों को इसको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ी। अब काफी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को लोग यूज क्यों करते हैं, इसका प्राइस बढ़ता क्यों है। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ भी प्रोडक्ट है या कुछ भी सर्विस है, आप उसको क्यों लेते हो? कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की वजह से लेते हो? आपने मोबाइल लिया कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की वजह से तो उसको लिया कि हाँ यार इस मोबाइल में पिक्चर अच्छा है, जो भी स्टोरेज वगैरह अच्छा है, रैम वगैरह अच्छा है, इसीलिए तो लेते हो ना। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इसका भी अपना एक फीचर है। जैसा कि मैंने बताया ना, लार्ज कैपेसिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डायरेक्ट रन कर रहा है ये, तो लार्ज कैपेसिटी, बेस्ट सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, इम्यूटेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, इजियर सेटलमेंट है ना, और अनहैकेबल, ये सारे के सारे जो पूरे के पूरे फीचर्स है ना, वो इस क्रिप्टो करेंसी पे भी लागू होता है। अब मुझे ये बताइए, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड के जो लोग हैं वो लाखों में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, करोड़ों में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि उनको क्या इनसिक्योरिटी नहीं होगी कि भाई मैं लाखों करोड़ों में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ सिंपल करेंसीज के रूप में, कोई हैकर आके हैक कर लेगा तो मेरा तो चूना लग गया, फिर मुझे तो नुकसान हो गया, राइट? अब इससे बचने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं किस सिक्योरिटी का यूज करूँ? तो क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी का यूज इसीलिए करते हैं कि भाई इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है जिसमें हमारा ट्रांजेक्शन पूरी तरह से सिक्योर होगा, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का यूज लोग करते हैं, राइट? रियल टाइम ट्रेकिंग है, ऐसा बोला जाता है कि देखिए, जैसे कि ये जो नोट वगैरह है ना, जो करेंसी, ये क्या होता है, जैसे आप ट्रांजेक्शन करोगे तो इसको ना बैंकर जो रहते हैं ना, वो पूरा का पूरा डाटा एनालाइज करते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में एक एक छोटे छोटे पार्ट भी अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, लाइक मान के चलिए मैंने आज कुछ बिटकॉइन खरीदा या फिर बेचा, तो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन पूरे के पूरे उस क्रिप्टोग्राफी में स्कैनिंग के साथ रहता है, सेव रहता है एक एक ट्रांजेक्शन, राइट? मान के चलिए कोई पर्सन है जो कि एक अदर कंट्री से आपको ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो कहाँ से ट्रांजेक्शन किया है, कहाँ आया, वो सारा ट्रैकिंग होता है, एक एक ट्रैकिंग, राइट? तो ये है इसकी एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंसी है ना। और ये जो होता है ना, पूरे के पूरे थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर पे रन करता है ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंप्यूटर के थ्रू ये ट्रांजेक्शन होता है, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर के थ्रू होता है। और इस कंप्यूटर को कौन चलाते हैं पता है? माइनर्स चलाते हैं, जो अपने बैंक में क्लर्क होते हैं ना, जो आपको मतलब मैनेजर वगैरह जो भी जो आपको पैसे वगैरह देते हैं, वैसे ही यहाँ पे माइनर्स होते हैं, और माइनर्स पूरा का पूरा हैंडल करते हैं माइनिंग के थ्रू बड़े बड़े कंप्यूटर पे। और ऐसे नहीं कि कोई भी वहाँ पे नहीं बैठ सकता है, वहाँ पे वही पर्सन बैठ सकता है जो एक्सपर्ट है, वो अपना करेगा, और जो फास्ट करता है ना, वहाँ पे कुछ नहीं है, मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूले सॉल्व करने होते हैं यार, मैथमेटिकल फॉर्मूले सॉल्व करने होते हैं, और उसको जो फास्ट सॉल्व करता है ना, विद इन अ सेकंड टाइम रहता है उनका, आप जो उनको उसको फास्ट सॉल्व करेगा उसको बिटकॉइन के रूप में, और ऐसा है कि अवार्ड मिलता है, यही उसका अर्निंग है। इसके लिए लोग इतना काम करते हैं दिन रात इस माइनिंग के लिए, और इसी माइनिंग का रिजल्ट आपका एक क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन, ट्रोन, इथेरियम, ये सारे के सारे इसी का नतीजा है, लोगों की मेहनत का नतीजा है कि लोग ऐसे करते हैं। और पता है जो करेंसी छापी जाती है, जो नोट छापे जाते हैं, कितनी चीज यार, कितना रुपए वहां पे खर्च कर देते हैं लोग, उसी पैसे को बनाने के लिए पैसे बहाए जा रहे हैं। कंट्री की बात करूँ तो ऐसा है कि हमारे कंट्री की बात करूँ तो वो भी करोड़ों रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं सिर्फ करेंसी सिक्के नोट बनाने के लिए, काफी सारे पेड़ को जला देते हैं। सब हो क्यों रहा है? क्योंकि हम फिजिकल सिस्टम पे डिपेंड है। इसी चीज को लेकर के पीएम मोदी जी ने सारी चीजें किया, और अब कहा कि नहीं, हमें इस सिस्टम को चेंज करना होगा, डिजिटल सिस्टम की ओर आना होगा। काफी सारे लोग अगर बोलते हैं ना कि यार क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, इसका एग्जैक्टली कोई रियल अस्तित्व है ही नहीं, कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो आप लोग समझ लीजिए कि क्या है इसका रियल एग्जिस्टेंस, राइट? आप लोग समझ लीजिए तब आपको क्लियर होगा, क्योंकि काफी सारे लोग मार्केट में आप लोगों को बोलेंगे कि यार क्रिप्टो करेंसी में कुछ नहीं रखा है, कभी भी लॉस हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन किस समय होगा, जब आपने लाखों की इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो भी कैसे होता है ध्यान से समझिएगा, अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म लेके चला है ना, तो लॉस होगा ही नहीं, डेफिनेटली प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म लिया है तो डेफिनेटली हो सकता है लॉस हो, राइट? क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसा है कि यहाँ पे फ्लो होते रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, क्योंकि ये गोल्ड के प्रिंसिपल पे रन करने वाला सिंपल सा सिस्टम है, राइट? अब इसका जो प्राइस है वो एग्जैक्टली इंक्रीज क्यों होता है उसको ध्यान से समझिएगा। ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसका प्राइस इंक्रीज क्यों होता है, पूरा का पूरा बेस्ड है सप्लाई और डिमांड पे।
राइट right. इसकी मांग क्यों बढ़ी है? क्योंकि ये सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, रियल टाइम ट्रैकिंग सारी चीजें देता है। अब इसके कारण लोग क्या करते हैं ना, अपने सिस्टम को, अपने पैसे को सिक्योर रखने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। तो हुआ क्या, देखिए हर एक क्रिप्टो करेंसी का एक फिक्स क्वांटिटी पूरी तरह से डिसाइड कर दिया कि इससे ज्यादा नहीं होगा। बात करूँ बिटकॉइन की तो 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन जनरेट नहीं किया जा सकता है। अब देखिए 21 मिलियन बिटकॉइन फिक्स हो गया, लेकिन इसको यूज करने वाले लोग तो बढ़ ही रहे ना, लोग बढ़ ही रहे तो होता क्या है, माइनर्स भी। अब भाई बिटकॉइन बहुत ज्यादा संख्या में चाहिए तो माइनर्स की संख्या भी बढ़ेगी। अब माइनर्स भाव खाएंगे कि भाई हम लोगों का जो कमीशन है ना वो ज्यादा मिलना चाहिए। तो यहाँ तो एक माइनर्स है जो कि अपना कमीशन बढ़ा रहा है, ठीक है, और सेकेंड यहाँ पे जो मार्केट पे लोग है ना, ये डिमांड के कारण अपना, मतलब डिमांड की वजह से, तो इन दोनों के कारण, एक तो जो कस्टमर है और दूसरा माइनर्स, इन दोनों के कारण इस बिटकॉइन की वैल्यू या फिर क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू इतना इंक्रीज होता है, क्योंकि लिमिटेड है यार। और ऐसा है कि एक ही पर्सन इतने सारे बिटकॉइन बना ले पॉसिबल ही नहीं है, कई लोग मिल करके एक बिटकॉइन बनाते हैं, राइट, वो भी कई कंप्यूटर्स को मिला के। तो यार उस सिस्टम का खर्च नहीं लगेगा, डेफिनेटली लगेगा ना, तो इसीलिए इसकी वैल्यू इतना बढ़ता है। और जैसे आप देखोगे ना, बिटकॉइन की वैल्यू 2009 की बात करो ओनली 6 रुपए था, ओनली 6 रुपए था, और एकदम एग्जैक्टली ये जो एक्सपर्ट है ना वो बहुत एक्यूरेट अपना प्रेडिक्शन देता है। पता है अभी मैंने थोड़ा सा डाटा एनालाइज किया, उसमें मुझे एक चीज जानने को मिला, 2015 में एक बिटकॉइन की वैल्यू 43,000 था, 43,000, और वहां पे उन लोगों ने प्रेडिक्शन किया था कि 2018 में इसकी वैल्यू 6 से 7 लाख रुपए हो जाएगा। और पता है 2018 में इसकी वैल्यू कितना था, 6,48,000 रुपए था इसकी वैल्यू, एकदम एक्यूरेट उन लोगों ने अपना एक प्रेडिक्शन किया था। और अभी की बात करूं तो जस्ट अभी एक प्रेडिक्शन किया गया था इथेरियम के लिए, इथेरियम के लिए क्या प्रेडिक्शन किया गया था कि जो 4 महीना पहले एक इथेरियम के वैल्यू कितना था, 17,000, राइट, जिसका एग्जैक्टली सिर्फ लास्ट दिसंबर तक उन्होंने कहा था 1 लाख टच कर लेगा, और एकदम एक्यूरेट ही हुआ, 3 जनवरी को फाइनली 1 लाख क्रॉस कर गया इथेरियम। तो ये एग्जैक्टली इन लोगों का ये कि ऐसा कि प्रेडिक्शन जो करते हैं ना बहुत एक्यूरेट करते हैं, राइट, और ट्रोन के लिए भी बहुत सही एक्यूरेट किया गया है। देखिए अभी मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ क्रिप्टो करेंसी की, यहाँ पे तब आप लोगों को क्लियर होगा। मैं कॉइन स्विच में ले जाके चलता हूँ, यहाँ से समझिएगा इस चीज को। उसके बाद मैं थोड़ा सा और चीजें बता करके अपने सिस्टम पे आऊंगा, जिस सिस्टम पे हम वर्क करें ना इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यार इस चीज को जानना जरूरी है। जब तक आप इस सिस्टम की बेनिफिट नहीं समझोगे आप काम कैसे करोगे, ठीक है। तो ये है, देख लीजिए ये बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन पे आप 1 ईयर यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिएगा 1 ईयर पहले इसका प्राइस कितना था, देख लीजिए 15 अप्रैल की प्राइस ओनली 5,56,000 रुपए था, और आज कितना हो गया देख लीजिए, राइट, आज कितना हो गया 30 लाख हो गया है इसका प्राइस, 30,33,000। इथेरियम की देखो तो इथेरियम का 1 ईयर पे जाइए आप जस्ट, और इथेरियम का प्राइस देख लीजिए 1 ईयर पहले कितना था, ओनली 11,000 था, 11,000, राइट, और आज देख लीजिए कितना है, 1 लाख क्रॉस कर चुका है ये। तो ये है इसका रियल बेनिफिट। और ऐसा है कि काफी सारे करेंसी से आप यहाँ पे जाओगे, मार्केट पे क्लिक करिए और यहाँ पे टॉप लॉस और टॉप गेन पे क्लिक करके आप लोग देख लीजिए जो करेंसी है वो कितना उछाल जाता है। यहाँ पे एक साल का देख लीजिए और प्राइस देखिए कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 323 है और अभी प्राइस देख लीजिए 972 है। तो ये है रियल इंक्रीमेंटेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है जो आपको बोलता है कि आपके पैसे 2 गुने 3 गुने हो जाएंगे। यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है ना वो एक सिंपल सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑटोमेशन बेस्ड प्रिंसिपल है जिसमें आपका पैसा रियल में मल्टीपल हो जाता है, अगर आप पैशन के साथ और वो भी थोड़ा सा दिमाग के साथ इसमें काम करो तो। तो ये है इसका रियल बेनिफिट आप लोगों को। देखिए क्रिप्टो करेंसी को आपको डीपली समझना होगा और ये चीजें ना इतना आसान नहीं है समझना, आपको बहुत टाइम देना होगा और टाइम हम लोगों के पास आज ज्यादा नहीं है, 8 बजे तक कंप्लीट करना है। तो इसीलिए मैं क्रिप्टो करेंसी को अभी यहीं तक बताऊंगा, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए यार ऐसा है, कोई न्यू पर्सन है ना उनको आप ज्यादा नॉलेज दीजिएगा भी मत, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप उनको डीप नॉलेज बता दोगे ना तो आपको तो नॉलेज है लेकिन सामने वाला पर्सन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा और बोलेगा कि भाई अब जो बता रहे हैं ना वो चीजें मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, क्यों करूं इसको। तो आप उनको परेशान क्यों कर रहे हो, इरिटेट क्यों कर रहे हो, उतना ही बताओ ना जितना उनके लिए अभी जानना जरूरी है। एडवांस लेवल पे जानना है तो आगे जान जाएगा, राइट, तो वो चीज है। और आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, आप फोर्साज के लिए क्रिप्टो करेंसी को मत समझिए, अपने फ्यूचर के लिए क्रिप्टो करेंसी को जरूर समझ लीजिए। क्योंकि देखिए मैं नहीं जानता फोर्साज का फ्यूचर कब तक रहेगा, आई डोंट नो,
लेकिन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर ट्रस्ट में आप लोगों को जो बेनिफिट मिलेगा ना, जो प्रेडिक्शन अभी किया गया है, हो सकता है 2021 लास्ट तक एक बिटकॉइन की वैल्यू 1 CR टच कर लेगा, 1 CR टच कर लेगा। अब आप लोग सोच लीजिए इसका रियल प्रॉफिट क्या है, आपको क्या पैसिव इनकम का सोर्स मिलेगा। अगर आप अभी भी इस चीज को इग्नोर करोगे ना क्रिप्टो करेंसी को, ट्रस्ट में आपको लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। और आपके बच्चे बोलेंगे कि यार पापा आप ये चीज क्यों नहीं किए, तो आप लोग फिर पछताओगे। फिर आप लोगों को नॉलेज था इस चीज का, उसके बाद ये चीज नहीं किए, है ना, तो आप लोगों को फिर बाद में पछताना होगा। तो बेटर है नॉलेज ले लीजिए, इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है क्रिप्टो करेंसी, और स्पेशली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी। अभी मेरा एक सर से बात हो रहा था, वो पता नहीं क्या करता है, नेटवर्क मार्केटिंग में काफी टाइम से काम कर रहा था। वो मुझे बोल रहा था कि यार ऐसा है, इस सिस्टम को कोई समझता नहीं है, इंडिया के 95% लोग जानते हैं। मैंने कहा यही तो बेनिफिट है सर हम लोगों का, यही बेनिफिट है कि इंडिया के 95% लोग नहीं जानते हैं, मार्केट पूरी तरह खाली है, दिमाग के काम करो मजा आएगा। लोगों को समझाना है तो सिंपल वे में समझाओ ना, आप क्यों टेक्निकल चीजों की ओर घुस जा रहे हो, समझ में ही नहीं आएगा उनको। टेक्निकल चीजों को तब बताइए जब वो आपके सिस्टम पे आ गया, वो भी धीरे धीरे बताइए, एक साथ मत बताइए। लोग आपके साथ डेफिनेटली आएगा, प्रोडक्टिवनेस की बात करो तो हजारों है यार, लेकिन एक टेक्नोलॉजी की बात करो ना तो हर प्रोडक्टिवनेस कंपनी वाले इसमें घूम फिर के आएंगे, राइट। तो ये चीज है, आप लोगों को चीज ध्यान से समझना। अगर कोई नेटवर्कर बोलता है ना ये सिस्टम है यार इसको कोई जानता नहीं कोई जानता नहीं है, इसका फ्यूचर क्या है कुछ पता नहीं है, तो उनको बोलिए कि भाई आप जिस सिस्टम पे वर्क कर रहे हो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। उनको डायरेक्टली यही चीज मैंने कहा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी आने वाले वर्ल्ड का फ्यूचर है सर, और हमारे जो PM है ना और जो अपना मुकेश अंबानी सर है, वो पूरा का पूरा अपने सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे लेके आ रहे हैं। और आप बोल रहे हो कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझोगे नहीं तो डेफिनेटली आप फिर लॉन्ग टर्म पछताओगे। तो वो चीज है, हम लोग देखिए हमारे आज जो सेशन में है ना सारे के सारे एक ही एज के हैं। हम लोगों को इस सिस्टम को अभी बहुत, सच बताऊं बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और सही ही टाइम में हम लोगों ने इस सिस्टम को समझने की कोशिश की और समझ रहे हैं। तो यार थोड़ा सा टाइम इसमें इन्वेस्ट करके अच्छे से समझ लीजिए क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, ट्रस्ट में आने वाला फ्यूचर आपका ही होगा, राइट। तो वो चीजें है। देखिए अब एक चीज और क्लियर कर दो यहाँ पे, ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, अरुण एक सेकंड सॉरी एग्जैक्टली यार, एक बंदे ने कमेंट करा कि सर वॉइस नहीं आ रही, तो क्या ये सही बोल रहे हैं? आप लोग को वॉइस में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो टाइप करें नॉट क्लियर, अदर देन दैट आप टाइप करें क्लियर, अगर वॉइस में कोई दिक्कत नहीं हो रही तो, बिकॉज वी हैव टू राइट एकदम। और कितने लोगों को मजा आ रहा है यार, मीन्स मैं अगर बताऊं आउट ऑफ 10 आपको किस लेवल का मजा आ रहा है, आउट ऑफ 10 मतलब समझ 9 10 10 प्लस भी दे सकते हो 1000 ओके बस आज, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ मजा आ गया। आई होप अरुण ने कल अमेजिंग किया था, बट अरुण ने बोला था सर वी विल बी 100, तो ये बहुत अच्छी बात है अरुण। आप थैंक यू सो मच, आप सब का यार थैंक यू सो मच, आप सब इतने डेडिकेटेड हो, बहुत अच्छा लगा मुझे सर। मैं कंटिन्यू करूँ? या ऑफकोर्स या ओके सर। देखिए क्रिप्टो करेंसी ना एक ऐसा है कि दो तरीके से होता है, सबसे पहला क्वाइन है और टोकन है, दो टाइप के होते हैं। तो जो क्वाइन है वो क्या है ध्यान से समझिएगा, जिसकी वैल्यू डिसाइड किया जा चुका है ना और जो एक्सचेंजर पे अपलोड किया जा चुका है, लाइक BTC है, इथेरियम और काफी सारे करेंसी जो एक्सचेंज पे आप इजिली बाय और सेल कर सकते हो ना, ये है अपना क्वाइन, राइट, जिसका प्राइस ऑलरेडी सेट हो गया है। और टोकन क्या है, जिसका प्राइस अभी सेट नहीं हुआ है, राइट, जिसका प्राइस सेट नहीं, सॉरी यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का होता है कि क्वाइन क्या है, जिसका खुद का ब्लॉकचेन खुद का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है वो क्वाइन है, और जिसका खुद का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं है दूसरे के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है ना, वो अपना टोकन होता है, ठीक है। तो ये चीजें है। अभी मैं एक चीज और आपको बताने वाला था सॉरी माइंड फ्रीज हो गया, हाँ सॉरी मैं कुछ चीजें बताने वाला था, माइंड फ्रीज हो गया, चलिए फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए अब हम बात करेंगे अपने सिस्टम के बारे में कि क्या है ये सिस्टम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और काफी सारे लोग बोलते हैं ना कि क्या है लॉन्ग टर्म चलेगा सिस्टम, तो यार समझ लो आप नॉलेज ले लीजिए। देखिए पता है मैक्सिमम लोग इस सिस्टम के बारे में लोगों को क्यों नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है सिस्टम का, इसीलिए लोगों को कॉन्फिडेंटली बता नहीं पाते हैं। तो समझ लीजिए कि क्या है ये सिस्टम यार, एग्जैक्टली पूरी तरह से इनके वेबसाइट पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि क्या है ये सिस्टम। 1% भी रिस्क के चांसेस नहीं है, ना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर सिस्टम है, राइट। आप उनके वॉलेट का बैलेंस भी चेक कर सकते हो, और क्या चाहिए आपको, कौन सा ऐसा कंपनी है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपको विद इन अ सेकंड कमीशन देता है,
राइट, विद इन अ सेकेंड आपको कमीशन देगा, ट्रांसपेरेंसी देगा, अपना टर्नओवर दिखाएगा, कोई नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे एक एक डाटा पूरा का पूरा क्लियर चेक किया जाता है कि आप चेक कर सकते हो किस पर्सन ने कब कब से और कितनी अर्निंग किया है, कहाँ कहाँ से स्टार्ट किया था, कितने लोगों को रेफर किया, सारी चीजें। अभी मैं जो चीजें दिखाऊंगा ना उसको ध्यान से समझना। मैंने एक चीज कहा भी था, जो लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए ना उन लोगों को पता भी होगा, यहाँ पे कमीशन मिनिमम की बात करूँ तो 100 crore है और मैक्सिमम की बात करूँ तो एक ही पर्सन आपको लाखों की अर्निंग दे सकती है। तो चलो देखते हैं आज की एक पर्सन कैसे लाखों की अर्निंग देगा आपको, एक ही पर्सन की बात करूंगा मैं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, एक आईडी ओपन किया हूँ मैंने, अभी ध्यान से समझिएगा, बाकी सारी चीजें आपको पता है, प्लान वगैरह वो चीजें नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? यहाँ से बस समझिएगा कि क्या है एग्जैक्टली और कैसे एक पर्सन से आप लाखों की अर्निंग कर सकते हो। देखिए आपने एक पर्सन को ज्वाइन कराया, राइट, मान के चलिए मैं एक पर्सन हूँ जिसको आप में से कोई भी हो, मैं आपने ज्वाइन करा दिया, ओके? तो आपके X3 का फर्स्ट वाले सर्कल पे आपको अर्निंग मेरे थ्रू मिल गया, ओके? अब मैंने क्या किया, 10 लोगों को और ज्वाइन करा दिया, 10 लोगों को और ज्वाइन करा दिया, तो X3 के 3 सर्कल है ना, मतलब तीसरा, छठवा और नौवा आपको मिलेगा 3 X3 पे, ठीक है? अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने 10 लोगों को ज्वाइन कराया तो इस स्लॉट को भी अपग्रेड करूंगा, इस स्लॉट को भी अपग्रेड करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे 10 लोग है ना वो भी स्लॉट अपग्रेड करेंगे, उसकी अर्निंग मुझे लेने के लिए उस स्लॉट को अपग्रेड करना होगा। तो मुझे ये बताइएगा, आपको पता है अरुण के टीम में इतने लोग है, 10 लोग है, वो भी X3 को अपग्रेड करेगा, तो यार मैं क्यों ना उनसे पहले कर लूँ, क्योंकि मैं तो उनका स्पॉन्सर हूँ, उनका X3 में जो भी 3rd सर्कल है ना उसका अर्निंग तो मुझे मिलना है। तो आप करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, डेफिनेटली करोगे। तो होगा क्या, यहाँ पे तो आपको अर्निंग हुई फर्स्ट टाइम में, उसके बाद जो 3 लोग थे ना उनके 3rd, 6th और अपना 9th वाला, उनसे भी अर्निंग हुआ, ओके? अब ऐसा है कि ये जो नीचे 10 लोग है ना उन लोग काम करेंगे तो उनसे भी अरुण के X3 के सर्कल फिल होंगे, X3 के 3rd सर्कल जैसे फिल होगा इसका अर्निंग फिर से आपको जाएगा। तो ये जो टाइम है ना आपको मल्टीपल टाइम तक उसी एक पर्सन के थ्रू अर्निंग हो ही रहा है X3 पे, X3 के हर एक सर्कल पे, उस सर्कल पे आपके स्पॉन्सर को भी बेनिफिट होगा डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने भी तो आपको इस बिजनेस में लाया है। तो जो है ना 1st, 2nd सर्कल पे आपको अर्निंग हो रहा है उनसे, उसके बाद क्या होगा, ये स्लॉट ऐसे ही चलते रहेगा और देखिए आपको मल्टीप्लाई होते चला जाएगा अर्निंग, 100 crore, 200, 400, 800, 1600 ऐसे ऐसे करके लास्ट स्लॉट की प्राइस देख लीजिए 10,97,000 crore है। अब मुझे ये बताइए, आपके टीम में एक अरुण नाम से बंदा है जिन्होंने 10 लोगों को ज्वाइन कराया और वो इस स्लॉट को अपग्रेड कराया, तो उससे पहले आप करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि उनको तो भाई देखो, उनसे तो मुझे डायरेक्ट अर्निंग मिलेगा अरुण जैसे इस स्लॉट को अपग्रेड करेगा, आपको तो इस स्लॉट का प्राइस एक ही बार में मिल गया। अब अरुण के टीम में जो 10 लोग है ना उनसे तो यहाँ पे आपको बार बार अर्निंग हो रहा है, और अरुण के टीम में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के थ्रू भी तो अरुण के X3 के 3rd वाला सर्कल फिल होगा और उसका भी तो कमीशन मुझे मिलेगा। तो क्यों नहीं एक पर्सन से आपको लाखों की नहीं करोड़ों की अर्निंग जनरेट हो जाएगी? ये तो हुआ सिंपल सा X3 की बात। X4 पे आ जाइए, X4 पे देखिए, X4 पे क्या ऐसा नहीं होगा? X4 पे भी सेम ऐसा ही होगा। कोई पर्सन यहाँ पे आया है, अरुण ने मान के चलो 10 लोगों को ज्वाइन कराया, तो 10 में से यहाँ पे 6 में से 3, राइट, और 3 और, तो 5 लोगों की अर्निंग आपको डायरेक्टली X4 पे मिल रहा है। एक ही इसमें अरुण के 10 लोगों से 5 की अर्निंग आपको मिल रहा है X4 पे। यहाँ पर भी वही मिलेगा, यहाँ पर भी ऐसे ही मिलते जाएगा। अब मुझे ये बताइए, आप एक बार इन्वेस्टमेंट करोगे 5 लोगों की अर्निंग को लेने के लिए, मिनिमम 5 लोगों की अर्निंग लेने के लिए 1 time तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैंने क्या किया था, सिंपल सा मेरा फंडा समझिए, इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मैंने, चीज क्लियर कर लिया था, 2 की अर्निंग को पूरा का पूरा स्लॉट अपग्रेड करने में लगाऊंगा, बाकी जितने भी लोगों को ज्वाइन कराऊंगा उनका अर्निंग मेरा हुआ डायरेक्ट, वहां पर मेरे स्पॉन्सर को जो जाना है हो जाएगा, फिर वहां पे और इन्वेस्टमेंट तो करनी ही नहीं है। सिंपल सा फंडा है कि एक टाइम मैंने बस 2 लोगों की अर्निंग को यहाँ पे स्लॉट अपग्रेड करने में लगा दिया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले स्लॉट के कंपैरिजन में सेकंड वाले स्लॉट पे आपका जो प्राइस है ना वो डबल हो जाता है। तो सिंपल है, एक बार मैंने अपग्रेड कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, अनलिमिटेड टाइम तक अर्निंग लूंगा, अनलिमिटेड लोगों को रेफर करूंगा, राइट? तो होगा क्या, जैसे जैसे ये लोग अपना स्लॉट अपग्रेड करते जाएंगे मेरी तो अर्निंग मल्टीपल होते जाएगा ना। एक ही पर्सन से कितने की अर्निंग हो सकती है आप लोग सोच सकते हो? गलती से मान के चलो, मान के चलिए आप X4 के लास्ट सर्कल को आपने अपग्रेड कर लिया, उसके बाद 2 लोग अपग्रेड कर लिए ना, तो एक का तो डायरेक्ट स्पॉन्सर को चला गया, X4 की बात करो तो सेकंड का भी स्पॉन्सर को चला गया, 3rd की आपको मिलेगा, लेकिन X3 में 1st, 2nd की तो आपको मिल रहा है ना, तो यार क्या आप लखपति नहीं बन गए फिर वहाँ पे एक ही पर्सन से? और X गोल्ड तो आपका प्लस पॉइंट है, X गोल्ड में क्या है, X गोल्ड में तो प्लस पॉइंट है, आपको क्या होगा
यहाँ पे जैसे एक बार प्लॉट अपने अपग्रेड किया आपको, तो यहाँ पे और बहुत बेनिफिट है यार। एक रिसाइकल पे आपको इसका 11 गुना अर्निंग हो जाता है। उसमें से क्या करना है, 2 गुना को आपको नेक्स्ट स्लॉट को अपग्रेड करने में लगा दीजिए। अब वो नेक्स्ट स्लॉट फिर से 11x आपको मल्टीपल करके देगा अर्निंग, फिर से 2 लगा दीजिए। तो क्या इतना नहीं कर पाओगे? इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है कि आपकी अर्निंग इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। 1% मैंने पहले भी कहा था भाई, ये नेटवर्किंग या अपलेट नहीं है जिसमें हमें लोगों को ज्वाइन कराते जाना है, सेलिंग करते जाना है तो अर्निंग होगी। ऐसा नहीं है, बस 5 लोगों को लेके चलिए। 5 लोगों को क्यों मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, 5 लोगों को लेके चलिए। और क्यों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे X3 में ना फर्स्ट सेकंड की अर्निंग आपको होगी, थर्ड की स्पॉन्सर को जाएगा, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ की अर्निंग आपको, मतलब 5 में से 4 की अर्निंग आपको मिला X3 में। और X4 में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड की अर्निंग आपको होगा लेकिन 3 की अर्निंग सॉरी फर्स्ट सेकंड की स्पॉन्सर को 3 की अर्निंग आपको मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे 4 की अर्निंग और यहाँ पर 3 की अर्निंग। तो आप मुझे बताइए, 3 लोगों को ज्वाइन कराओगे तो 1 की अर्निंग तो यहाँ पे चला गया और 2 की अर्निंग यहाँ पे स्पॉन्सर को, आपको क्या बेनिफिट होगा फिर? अगर 5 लोगों को करोगे तो शुद्ध प्रॉफिट मिलेगा आपको। 2 की अर्निंग को सिंपल आप स्लॉट अपग्रेड करने में लगा दीजिए, बाकी 3 की अर्निंग आपकी डायरेक्ट हो जाएगा। और ये जो 5 लोग हैं जो किसी और को ज्वाइन कराएंगे ना, 5 लोग मान के चलो 5-5 को ही ज्वाइन कराते हैं, आपकी अर्निंग तो मल्टीपल हो ही जाएगा। तो ये चीजें है इसका फंडा। और एक चीज और समझना क्रिप्टो करेंसी का, जो लोग अभी भी प्रोडक्ट बेस पे या फिर अफिलिएट मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, देखिए मैं किसी भी चीज के लिए नेगेटिव नहीं हूँ बट मैं फैक्ट पे बात करता हूँ और वही चीज है जो मैं चीज बोल रहा हूँ। अगर आप अभी भी अफिलिएट या नेटवर्किंग पे अपना टाइम एफर्ट डाल रहे हो ना, तो यार याद रखिएगा वहां पे आपको जो पैसिव इनकम मिलना चाहिए वहां एग्जैक्टली मिलेगा नहीं। अगर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी पे डील कर रहे हो ना, जिस हिसाब से प्रेडिक्शन किया गया है 2021 लास्ट तक 1 करोड़ की वैल्यू डेफिनेटली 15 से 20 रुपए तक जाएगा। और आप लोग इतने गए गुजरे नहीं हो कि 1 साल में 1 लाख करोड़ की अर्निंग नहीं कर पाओगे। मेरे जैसे काम करो खुद ब खुद अर्निंग करोगे आप लोग। 1 लाख करोड़ भी आपने अर्निंग कर लिया ना, घर में बोल दीजिए कि 1 साल तक प्लीज मुझसे देखिए। अगर आप लोग कुछ काम कर रहे हो जॉब कर रहे हो तो कुछ अर्निंग निकाल लीजिए, और कैसे निकालना मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप चाहो तो उस 1 लाख करोड़ को होल्ड करके रख लेना, तो एक ही बार में लास्ट में आपको ऐसा प्रॉफिट होगा आप लोग खुद चौंक जाओगे भाई, 15 से 20 लाख 1 ही साल की अर्निंग। अब आप सोच लीजिए अपना इफर्ट कहाँ पे डालना है, जॉब में ज्यादा ज्यादा डालना है, नेटवर्किंग में ज्यादा डालना है, या फिर अफिलिएट में, या फिर कोर्साज में, राइट? एक चीज और ध्यान से समझिएगा, आप जो चीज कर रहे हो ना तो उस चीज के लिए प्रॉपर नॉलेज ले लीजिए कि एग्जैक्टली क्या है सिस्टम, कैसे वर्क करता है, सारी चीजें, कि सामने वाले को बताने टाइम कोई फियर ना रहे। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है, मेरे टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि अरुण कोई बंदा है स्पेशल जिसको काफी सारी चीजें पता है, ठीक है, तो मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा, आप करो। ऐसा होता क्यों है, क्यों सोचे हो कभी ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको डर है कि वो बंदा कोई उटपुटांग क्वेश्चन मत पूछ दे जो जिसका आंसर मुझे पता ना हो, राइट? ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है। अगर आप नॉलेज ले लोगे ना तो कॉन्फिडेंटली उनको हैंडल कर लोगे। तो आपको क्या करना है, वही चीज है कि नॉलेज लेना है। पता है मुझे यार 3 महीने 5 से 10 दिन हो गया सिस्टम पे, और मैंने ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने वेबिनार अटेंड नहीं किया हो। कभी कभी मैं बाहर जाता हूँ तो वेबिनार थोड़ा सा मिस हो जाता है, लेकिन डेली वेबिनार अटेंड करता हूँ, डेली पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करता हूँ। आप लोग देखे होंगे मैं अपने बर्थडे के दिन भी वहाँ पे अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मैंने पोस्ट किया था सारी जगहों पे, ठीक है। उसके बाद जिस दिन मैंने घूमने गया था, उसके घूमने जाने से पहले मैंने स्टोरी स्टेटस सब लगा के गया था। मैंने जिस दिन दोस्त के सगाई में गया था वहां पर भी मैंने स्टोरी स्टेटस डाल के गया था। तो ये चीज है कंसिस्टेंसी, राइट? ये चीज है कंसिस्टेंसी। आप जो चीज कर रहे हो ना उसको करो, लेकिन आप जिस बिजनेस में टाइम दे रहे हो ना उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। आप कहीं भी जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, जाइए, लेकिन जो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपने जो हैबिट दिया है, जो आप कर रहे हो ना, उस चीज को कभी आप ऐसा इग्नोर मत करिए, क्योंकि यही कंसिस्टेंसी लोगों के लिए दिखता है कि हाँ अरुण इतना कंसिस्टेंट है कि आज घूमने गया फिर भी एक स्टेटस छोड़ के गया, अपना जो मॉर्निंग में डालते हैं ना हम जो 10 बजे वाला, तो हाँ अरुण ने आज फिर से स्टेटस डाला। तो ये होती है कंसिस्टेंसी यार, कि हाँ अरुण वहां पे गया, उसके बाद भी उन्होंने टाइम निकाला और एक स्टोरी यहाँ पे डाल दिया, लोग आपको फिर से रिमाइंड करते हैं यार ये बंदा कुछ अलग है, ये डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे टीम के लोग भी डेडिकेटेड रहे अपने काम के लिए। आपको क्या करना है, देखिए फोरकास्ट के बारे में सिंपल सा है, अगर कोई पर्सन बोलता है ना कि ये मनी सर्कुलेशन है, उनको बोलिए कि भाई मनी सर्कुलेशन किस टर्म में होता है ये मुझे बताइए जरा।
कौन से कानूनी किताब को पढ़ के आए हो और कैसे मनी सर्कुलेशन होता है ये मुझे क्लियर करिए, फिर मैं बताता हूँ कि फुर्सत कैसे मनी सर्कुलेशन नहीं है। बस इतना कॉन्फिडेंटली बात कर लीजिएगा, सच बताऊं नेक्स्ट बार उन लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके लिए, डायरेक्टली या तो आपको मना कर देंगे या फिर वो डायरेक्टली क्वेश्चन को घुमा देंगे, पहला। दूसरा कि बोलते हैं ना फुर्सत लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, उनको बोलिए कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो लॉन्ग टर्म चलता है, और क्या आपकी लाइफ लॉन्ग टर्म चलती है? आपकी लाइफ लॉन्ग टर्म चलेगी क्या? आप हमेशा के लिए जिंदा रहोगे? आज जिंदा हो कल मर जाओगे, कौन क्या गारंटी है? अपनी लाइफ की गारंटी नहीं है तो इस सिस्टम की क्या गारंटी? सिंपल से बोल दो उनको, ये मत बोलो कि ये सिस्टम लॉन्ग टर्म चलेगा, उनको बोल दो हाँ भाई इस सिस्टम की गारंटी नहीं है क्योंकि मेरे लाइफ की भी कोई गारंटी नहीं है। सिंपल सा फैक्ट पे बात करो तुरंत उनको, बाकी सारी चीजें समझाने की जरूरत ही नहीं, वो यहीं पे समझ जाएगा। थर्ड बोलते हैं ना कि फोर्साज का ये जो वेबसाइट है वो बंद हो जाएगा, बोल दीजिए कि फोर्साज वेबसाइट पे रन करता ही नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे रन करता है। इस चीज को जब आप अच्छे से समझ जाओगे ना तब आप लोगों को सही आंसर दे पाओगे, यार यहाँ पे कोई सिस्टम ऐसा है ही नहीं जहाँ पे वीकली या मंथली पेमेंट हो और पैसे यहाँ पे हम मिस्टर जॉन और लाडो को अर्निंग करके दे रहे हैं जिसको लेकर के मिस्टर जॉन और लाडो भाग जाएंगे। आप अपना पैसा खुद अपने टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और जिन लोगों को ज्वाइन करा रहे हो उनका कमीशन डायरेक्टली और 20 विद इन अ सेकेंड आपको आपका कमीशन मिल रहा है, तो क्यों भागेगा मिस्टर जॉन और लाडो आपके पैसे लेकर? क्या उनको अर्निंग नहीं हो रही? वो भी तो कॉमन मैन की तरह काम कर रहे हैं। अगर आप अभी भी लगता है ना कि बिना कुछ काम किए लोगों को बिना कुछ ज्वाइन कराए अर्निंग हो जाएगी तो ये पॉसिबल है ही नहीं। एक बंदा जिसने आज जस्ट मुझे एक वॉइस मैसेज डाला था मेरे टीम से, उन्होंने किसी और का डाला था, वो बोल रहे थे कि वो, मतलब बोल रहे थे बिना काम किए कौन सा सिस्टम अर्निंग देता है भाई, तो उन्होंने शायद ये चीज़ बोला होगा कि भाई सिस्टम पे बिना कुछ काम किए भी अर्निंग हो जाती है। तो ये चीज़ें समझ लीजिए कि कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें बिना कुछ काम किए अर्निंग हो, जहाँ पर बिना कुछ काम किए अर्निंग होती है दैट मीन्स वहाँ पर वो सिस्टम 1 से 2 महीने में बंद हो जाएगा, गारंटी है। राइट, ये सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें विदाउट वर्क के आपको अर्निंग होगी। राइट, आप खुद काम करोगे तब आपको एक बड़ा अर्निंग होगा, एक बड़ा कमीशन जनरेट होगा। तो ये चीजें है, आपको ये चीज क्लियर करना है। राइट, ऐसा कि देखिए मैंने आपको अभी सारी चीजें क्लियर किया अपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी का, और ये जो अपना फोर्सत सिस्टम है आप सबको पता है फोर्सत को लॉन्च किया था मिस्टर जॉन और लाडो ने, जो कि सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है। राइट, उन लोगों ने इसको लॉन्च किया है, तो क्या ऐसे ही कुछ लॉन्च किया था क्या? अपने से कुछ इन्वेंशन किया और लोगों के लिए एक जॉब की अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, एक अर्निंग के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी दे दिया। लाखों लोग, आप जिन लोगों को बता रहे हैं ना ये मत सोचो यार उनसे बेनिफिट होगा, ये सोचो कि ये जो बेरोजगार बंदा है उनको मेरे थ्रू रोजगार मिल जाएगा और उसका लाइफ चेंज हो जाएगा। अब आप सोच के जाओ कौन से कॉन्फिडेंस से उन लोगों को बताओगे आप खुद सोच लो। तो ये चीजें हैं, आप लोगों को इस चीज को क्लियर करना है। सबसे पहले आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना है फोर्साज का, जैसा मैंने आज आप लोगों को क्लियर किया, और आईडी वगैरह लगाने का ना मैं उसको लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं क्या करूंगा, देखिए आज का सेशन सिर्फ इतना ही था कि हम लोगों को क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी और अपने बिजनेस का पावर समझना है कि क्या है एग्जैक्टली इस बिजनेस का पावर। और कुछ लोग जो बोलते हैं ना डायरेक्टली आपसे पूछते हैं कि एक पर्सन से कितना कमीशन मिल जाएगा मुझे ये बताओ, उनको डायरेक्टली बोलना कि भाई ये कोई आरओआई प्लान नहीं है जिसमें आपको मैं डायरेक्ट बता सकूं कि यहाँ पे इतना कमीशन आपको मिलेगा। जहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पे कंपनी बहुत जल्दी बंद हो जाता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन पे बेस्ड है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नहीं करते हैं और नए मिस्टर जॉन और लाडो करता है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो किसको कितना कमीशन मिलेगा आई डोंट नो, लेकिन मिनिमम 100 करोड़ और मैक्सिमम बोलूं तो लैक्स ऑफ करोड़ की अर्निंग आपको एक पर्सन से हो सकता है। सिंपल सी बात बोलिए उनको, उसके बाद उनका कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजें है। अब ये देखिए जैसे मैंने आज क्लियर किया हमारे अपने सिस्टम के बारे में, ऐसा आप लोगों को और जानने के लिए नहीं मिलेगा इस सिस्टम के बारे में। हम लोग क्या करते हैं सिंपल सा प्रेजेंटेशन वेबिनार ही होगा, वहीं पे सारी चीजें क्लियर होगा आप लोगों को। लेकिन इसके बाद से कल मैं बात करूंगा फेसबुक स्ट्रेटेजी के ऊपर, कल मैं आप लोगों को ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में फेसबुक के थ्रू, एकदम स्टार्टिंग से कि अपने लिए परफेक्ट कस्टमर कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, लोगों को चैटिंग कैसे करना है, कैसे हम लोगों को उनके साथ इंगेज करना है ना, वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। स्टोरी पोस्ट वगैरह सारी चीजें कैसे आप लोगों को किस तरीके से और कब पोस्ट करना है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा और फेसबुक के लीड जनरेशन की स्ट्रैटेजी कल मैं शेयर करूंगा। तो जितने भी लोग हो, अगर आप लोग यार देख लीजिए, अगर आप लोग फिजिकली डिपेंड हो ना अपने बिजनेस के लिए, सच बताऊं आप लोग भी लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे, बहुत जल्दी डिमोटिवेट होकर के छोड़ दोगे कि यार आप लोग ही नहीं है मैं किसको बताऊंगा। लेकिन अगर आप डिजिटल फील्ड में आ गए ना
तो आप लोगों को लोगों की कमी नहीं होगी बताने के लिए, राइट right. लोगों की कमी नहीं होगी बताने के लिए। और मैं यही बोलता हूँ कि जितने भी लोग हैं ना सिस्टम पे डिजिटली काम करिए, कुछ लोग देखिए ओल्ड एज के हैं मैं मानता हूँ, लेकिन परिस्थिति के अनुसार ट्रेंड के अकॉर्डिंग सबको चेंज होना पड़ता है। आप लोग भी चेंज हो जाइए, अगर एज ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक एज के पर्सन यहाँ पे सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं। अभी बात करूँ तो एक बंदा है जो कि 60 ईयर का है, बंदा नहीं बोल सकते उसको, 60 ईयर का अंकल है जो कि बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, डिजिटली ग्रो कर रहा है अपने बिजनेस को। तो क्या आप नहीं कर सकते, क्या हम नहीं कर सकते हमारे एज के लोग? तो यार इस चीज को क्लियर करो आप, आपको डिजिटल टूल्स का यूज करना है और इसको यूज करना आना चाहिए। कल मैं फेसबुक के ऊपर ही पूरा बात करूंगा, आप लोगों को ए टू जेड सारा चीज बताऊंगा, और कल से मैं किसी को और कॉल नहीं करूंगा। ऑलरेडी मैं काफी सारे लोगों को कॉल किया, बात कर करके पूरी तरह थक गया था, तो कल से मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा, वॉइस मैसेज डाल दूंगा। और कल यार प्लीज सब लोग अटेंड करिएगा आज का सेशन, हो सकता है आप लोगों को कुछ चीजें समझ में ना आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो आप लोग किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हो, हम लोग सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज किसी का कोई क्वेश्चन होगा ना तो पर्सनली एक बार कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? और कल हम लोग फेसबुक मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे, फेसबुक लीड जनरेशन, आप लोगों को ऐसे ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा कि आप लोग खुद चौंक जाओगे कि इतने सारे लीड कैसे जनरेट करेंगे आप। मैं खुद लीड जनरेशन ऐसा है कि लोगों को फॉलो अप करना है बट मेरे पास टाइम नहीं है फॉलो अप के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना बड़ा टीम हो गया है ना कि इसको हैंडल करूँ कि न्यू लोगों को अप्रोच करूँ, ये हो जाता है। तो आप लोग भी कुछ ऐसे ही फंस जाओगे फिर। किसी का कोई क्वेश्चन है? अरुण जी आप चैट बॉक्स अगर चेक कर लीजिए, कुछ कुछ लोगों ने क्वेश्चन करा हुआ है तो आप चैट बॉक्स अगर चेक कर लीजिए एक बार। आप क्वेश्चन तो मेरा ऐसा है कि काफी सारे हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा है कि मुझे पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, काफी सारे मैसेजेस है। ऐसा करिए ना सर, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करा लीजिए, क्योंकि वो टाइम बच जाएगा हम लोगों का। किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई नहीं एग्जैक्टली तो अमीरुल सर ने ये पूछा था कि सर कि 21 मिलियन बिटकॉइन माइनिंग होना राइट, और अभी 20 मिलियन हो चुका है, तो क्या 1 मिलियन के बाद बंद हो जाएगा या नहीं होगा बिटकॉइन का माइनिंग, ये सब बोल रहे थे। डेटा मेरा देखिए, अभी ऐसा है कि किसने कहा आपको कि 20 मिलियन बिटकॉइन आपका जनरेट हो चुका है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अभी बिटकॉइन ना 5 से 6% की पूरी तरह से माइनिंग नहीं हुआ है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो बिटकॉइन है ना इसको पूरी तरह डिसाइड कर दिया कि 21 मिलियन से ज्यादा होगा नहीं। अब होगा क्या, जैसे 21 मिलियन पूरा का पूरा जनरेट हो जाएगा ना, माइनिंग हो जाएगा, इसकी वैल्यू इतना बढ़ जाएगा, लोग इतने पागल हो जाएंगे इसको परचेस करने के लिए, इसका जो प्राइस 30 लाख है ना, हो सकता है 10 करोड़ भी चला जाएगा। क्यों बताऊं? क्योंकि इस टाइम तो लोग इतने हैं, मतलब जनसंख्या इतनी है, आने वाले कुछ साल में इसकी जो जनसंख्या वो और मल्टीपल हो जाएगा, और हमारे जनरेशन के लोग जो इस क्रिप्टो करेंसी का पावर समझ रहे हैं डेफिनेटली उसमें काम करेंगे, उसको परचेस करके रखेंगे। और जहाँ पे मार्केट में बिटकॉइन की वैल्यू मतलब बिटकॉइन कम हो जाता है ना मार्केट पे, वहां से इसका प्राइस बढ़ना शुरू होता है, वहीं से प्राइस बढ़ना शुरू होता है, और जैसे जैसे लोग सेल करना चालू करते हैं ना इसका प्राइस कम होना शुरू होता है, राइट? तो वो चीजें है। और 21 मिलियन हो गया ना, उसके बाद और कोई बिटकॉइन जनरेट होगा नहीं, लेकिन प्राइस और मल्टीपल होते चला जाएगा, और मल्टीपल होते चला जाएगा, ठीक है? हाँ, और एक चीज और है समझ लीजिए, और एक चीज बताना भूल गया था। देखिए अभी राजस्थान के जयपुर में जो क्रिप्टो बैंक लॉन्च किया गया है, और अपने बेंगलुरु में क्रिप्टो एटीएम लॉन्च किया गया ना, बीटीसी एटीएम, उसमें एग्जैक्टली होगा क्या, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे कोई फिजिकल करेंसी होगा ही नहीं, वहाँ पे क्या है ना आपके जो मोबाइल में मतलब जो बिटकॉइन या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको सिंपल आप स्कैन करके वहां से करेंसी में सिंपल कन्वर्ट कर सकते हो। बिटकॉइन लाइक एटीएम पे जाओगे आप, आपके पास बिटकॉइन है, स्कैन करोगे, आपको INR के फॉर्म में वहां पे पैसे मिल जाएंगे। तो ये है इस सब का बेनिफिट, अपना जो एटीएम है और अपना जो बैंक है उसका, ठीक है? या इसका मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, मीटिंग होते ही ओवर, वो वीडियो है मेरे पास कैसे स्कैन करते हैं, कैसे विड्रॉ होता है। चलो यार ये इन्होंने हैंड रेज करा हुआ आरडी, एक सेकंड इनका थोड़ा क्वेश्चन सुनते हैं। मैंने आपको अनम्यूट करा सर, आरडी सर, आरडी डियोलुंगो, हाँ होगा होगा। हेलो, या बोलिए सर। हेलो हेलो, हाँ बोलिए आरडी जी। हाँ तो मतलब जो बिटकॉइन वाला है उसमें कितने रुपए में विड्रॉ किया जा सकता है उसको?
बोले तो क्या सर, ठीक है जवाब जवाब दीजिए। मतलब उसको विड्रॉ कितने में किया जा सकता है? मैं समझ गया। देखिए मिनिमम विड्रॉ की बात करूं तो वो आपके एक्सचेंजर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप जिस एक्सचेंजर को यूज कर रहे हो, लाइक कॉइन स्विच का अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो विड्रॉ के लिए मिनिमम आपको 100 रुपीज का बिटकॉइन चाहिए। मिनिमम 100 रुपीज का बिटकॉइन तब आप उसको विड्रॉ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये चीज है। और बाकी अदर एक्सचेंजर पे क्या कॉस्ट होता है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अपने कॉइन स्विच की बात करूँ तो इतना लगता है आपको, ठीक। मैं तो कॉइन स्विच ही उपयोग करता हूँ। हाँ तो वही है कि मिनिमम 100 से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। चलो एंड एक पर्सन अमन आनंद ने पूछा हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, ये मीन्स जबकि इनके कोई पूछते हैं सर डॉक्यूमेंट क्या है कि ये लीगल हो चुका है। ओके देखिए कौन पूछा है, अमन? या अमन अमन हाँ ठीक है। देखिए ऐसा है कि ये जो सिस्टम है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है कि इलीगल है, इसके लिए नीति आयोग का आप ये डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। आप जाइएगा नीति आयोग के साइट पे, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको क्लियर मिल जाएगा कि ये जो सिस्टम है ना पूरी तरह से इंडिया में लीगल है। हाँ, मेरे पास है, मैं आज दो चीज डाल दूंगा याद से, और सभी लोग मैंने काफी बार भेजा हुआ है, बट याद देखो होता है क्या, लोगों को जब जरूरत पड़ती है तब ढूंढते हैं। मैंने काफी कुछ भेजा हुआ ग्रुप में, ये टेलीग्राम नहीं है, व्हाट्सएप आपको पता नहीं, तो आप पीछे के मैसेज स्क्रॉल करोगे ना सब कुछ मिलेगा उसमें आपको। बट एग्जैक्टली एग्जैक्टली अगर आप, मैं आपको सेंड कर दूंगा वापस से, उसे आप सेफ से रखना। मैं बार बार बोलता हूँ जो भी चीजें मैं भेजता हूँ ना कि उसको सेफ से रखो, सो दैट आपको काम आने वाला है, बिकॉज हम लोग को यूज आया था तो वही सब डॉक्यूमेंट्स आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो कीप दैट सेफ, मैं फिर से भेज दूंगा, और वो जो स्कैन कैसे कैसे विड्रॉ होती है वो भी भेज दूंगा, राइट। और किसी का कुछ क्वेश्चन यार? सर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे डायरेक्टली देना है, जैसे कि उस दिन सुबह हमने भी क्वेश्चन किया था, आज काफी सारे लोग हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि फोरसाज का क्या कोई डॉक्यूमेंट है। तो एक चीज समझ लीजिएगा, जो सिस्टम है ना ये डिजिटली सॉरी ग्लोबली रन कर रहा है, ठीक है। और ग्लोबली रन कर रहा है सिस्टम, तो किसी स्पेसिफिक कंट्री का कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको अपने देश में लीगल कराने के लिए कोई डॉक्यूमेंट देगा या फिर ये किसी के लिए अप्रूवल देगा। जो कंपनी होता है ना वो अप्रूवल लेगा कि हाँ भाई ये इंडिया में लीगल होगा या इलीगल होगा, उसके लिए अप्रूवल लिया जाता है, बट टेक्नोलॉजी के लिए अप्रूवल नहीं लिया जाता है क्योंकि ये ग्लोबली रन करता है। तो अगर कोई पूछता है ना कि ये फोरसाज का कोई डॉक्यूमेंटेशन है, तो उनको डायरेक्टली बोल दीजिए कि भाई आप कौन से दुनिया में हो, टेक्नोलॉजी का कोई डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है, सिंपल सी, ठीक है। और रही बात क्रिप्टो करेंसी का, तो क्रिप्टो करेंसी का डॉक्यूमेंट आपको नीति आयोग के इसमें मिल जाएगा, राइट। मैं भेज भी दूंगा और बाकी आप लोग देख सकते हो खुद से भी बहुत चीजें। और मैं बोलूंगा बार बार यार कि आप डॉक्यूमेंटेशन करना स्टार्ट करो, मतलब जो भी चीजें भेजो ना उसे रखा करो, नोटबुक में लिखो। चलो कितने लोगों ने लिखा, मतलब नोटबुक कितने लोगों ने, कितने कितने लोगों के कितने पेजे भरे हैं? अभी जो अरुण सर ने बताया, कितने लोगों ने नोटबुक में नोट डाउन किया है? चलो जितने भी जिसने भी किया होगा, हम लोग जैसा 95 तक पहुंचे थे, बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनों के बाद हम लोग 95 पे पहुंचे हैं। तो जितने भी लोगों ने किया होगा उनको तो बेनिफिट पता होगा, और जिन्होंने नहीं किया तो वो मिस ही करेंगे, बाकी इनकी रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। बट मेरे को पता है यार कुछ एग्जैक्टली मतलब लोग देखते नहीं है, सो एग्जैक्टली अगर जिसने भी लिखा है ना तो वो ज्यादा दिन तक याद रख पाएंगे, एंड उनको रिजल्ट भी डिफरेंट आएंगे। बिकॉज आप लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हो बट क्या कर रहे हैं वो नहीं देखते हैं कोई लोग। जैसे कि कल ही बता रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं अरुण सर इतना कैसे कर लेते, इतनी अर्निंग्स मेरी कैसे, सबका बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं वो आपको देखना है, राइट। वो करो आपको भी रिजल्ट 100% आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, बिकॉज सिस्टम सबको वही देती है जो सिस्टम को चाहिए, आप वो दो सिस्टम सबको इक्वली देती है। ओके तो चलो यार हम लोग मीटिंग को, चलो एट लास्ट सबका फीडबैक लेते हैं कि मीटिंग मिस एग्जैक्टली जो अरुण सर ने पूरा सेशन लिया कैसा लगा आप सभी लोग को, टाइप करें इन द चैट बॉक्स। ओके अर्श बाजवा को कुछ क्वेश्चन पूछना है, एक सेकेंड। एंड यार सभी लोग हम लोग वापस से, ओके एक सेकेंड अर्श मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, या अर्श मैंने आपको अनम्यूट करा है, अर्श मैंने आपको अनम्यूट कर, बोलिए बोलिए अर्श जी। गुड इवनिंग अर्श जी, नहीं करेंगे है ना उसी, बोलिए बोलिए अर्श जी, सारी मेरी, हाँ अभी आ रही, अभी बोलिए अभी बोलिए। जैसे सर, हाँ जैसे बिटकॉइन की लिमिट है कि 21 मिलियन के, ओके अच्छा ठीक है समझ गया, मतलब ट्रोन की कितनी लिमिट है, राइट ऐसा पूछना चाह रहे हो आप,
अरुण जी क्या आपको पता है इसका आंसर? नहीं सर, ड्रोन का एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कि इसमें कितना अभी इसका करना है। देखो ये एग्जैक्टली ट्रॉन तो काफी नहीं है, आई होप ये बिटकॉइन के काफी बाद आई है, तो यार इसका मतलब भी तो मैं तो बताऊंगा हम लोग की 7 पीढ़ी मतलब बहुत टाइम लगने वाला है अभी तो कंफर्म है। तो आप बिंदास रोहर्स जी ठीक है ना, एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है कितनी, बट आई होप सो कि वो अगर 21 मिलियन होगा ना तो उसी के आसपास, 10 मिलियन हो जो भी हो तो उसी के आसपास होगा, एग्जैक्ट फिगर पता करना पड़ेगा, तो गूगल कर सकते हो। हाँ, मैं बता दूंगा आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेके। राइट राइट, चलो हम लोग भी इन्फॉर्मेशन एंड दो जो पीजे भेजा जाएगा अभी ना उसे आप सेफ गार्ड मतलब अच्छे से रखना, एंड जब आपको यूज आए उससे पहले आप लोग तैयार रहना, उसको पढ़ के रखना सो दैट आपको दिक्कत ना आए बाद में। और एक चीज और कहना चाहूंगा, म्यूट कर रहा हूँ अर्थ, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ी वॉइस आपकी नहीं आ रही है, ठीक है ना, आपको आई होप जवाब मिल गया होगा, ठीक है, आपके पास वॉइस गई होगी हमारी। या बोलिए, मैं और कहना चाहूंगा, देखिए कल 7 बजे होगा हम लोगों का ट्रेनिंग सेशन, और कल का यार प्लीज कोई मिस मत करना, क्योंकि पता है सबको यही प्रॉब्लम है, लीड कैसे जनरेट करना है, लोगों से मैसेज कैसे करना है, बात कैसे करना है, कैसे अपने जैसे लोगों को ढूंढना है, तो कल सबका आंसर आपको मिलेगा बस फेसबुक एक ही प्लेटफॉर्म पे, जिसमें मैंने उस फेसबुक के थ्रू अप्रोक्स 500 से 600 लोगों का लीड जनरेट किया, और जिसमें मेरे साथ इस 46 लोगों में से अप्रोक्स ऐसे है कि लगभग 35 to 38 लोग मेरे साथ फेसबुक से ही है जो लोग काम कर रहे हैं। तो इसका एग्जैक्टली कैसे आपको सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है फेसबुक जिसका आपको रिजल्ट लेना है और कैसे लोगे वो कल मैं बताऊंगा, तो प्लीज कल सब रेडी रहिएगा, कल का सेशन कोई मिस मत करिएगा, आज का किए कोई मतलब ये नहीं है, लेकिन कल का मत करिएगा प्लीज। और विशाल ने जवाब दिया है, विशाल ने आई होप कहीं से गूगल करा होगा, विशाल ने जवाब दिया 1.6 मिलियन जो कि एग्जैक्टली इसका माइनिंग का एक लिमिट रखा गया है विशाल शर्मा ने, तो आई होप ये सही हो, तो आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, बट एक रफ आईडिया आपको पता चल गया कि 1.6 बिलियन मिलियन के आसपास इसकी माइनिंग होगी, ठीक है, बहुत है हमारे बिलियन है सॉरी बिलियन 1.6 बिलियन है। तो चलो यार हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं फटाफट, बिकॉज हम लोग के पास मैं भी स्टार्ट ही कर देता हूँ उसको, सो दैट आप उनको इन्वाइट कर दो, राइट, सभी लोगों को मैं डाल दूंगा मंजूर आपको सभी अभी मिल जाएगी आप, मैं वो दो चीजें डालूंगा आप उसको देख लेना आपको समझ में आ जाएगा, राइट, तो हम इस मीटिंग को एंड करते हैं, कल आराम से करेंगे हम लोग, कल हमारे पास टाइम